और बताते हैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर, महिलाओं के मुद्दे पर रो पड़ी लॉकेट चटर्जी। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी की आंखों में उस वक्त आंसू निकल पड़े जब वो थोड़ी देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। महिलाओं के मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लॉकेट चटर्जी रोती नजर आई। सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है और एक महिला होकर ममता बनर्जी ये सब देख रही हैं। लॉकेट चटर्जी ने टीएमसी के ऊपर बंगाल में लोकतंत्र खत्म करने का आरोप लगाया। एक के बाद एक घटना घट रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री महिला होके भी चुप है। आप लोग बोलिए, हम लोग कहां जाएंगे? हम लोग भी महिला है, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा बेटी लोग को बचा ले। हम लोग भी देश का बेटी है, मणिपुर का भी देश का बेटी है, पश्चिम बंगाल बाहर नहीं है, पश्चिम बंगाल देश में ही है। पंचायत चुनाव में जिला परिषद का प्रार्थी हमारे इलाके में, उसको मतलब बाल एकदम एक करके लेके बाहर फेंक दिया उसको काउंटिंग के टाइम में। हम कुछ नहीं कर पाए, हम सिर्फ देखा, पुलिस को बोल रहे हैं पुलिस लाभ चले जाइए।